हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर टू पॉलिनोमियल्स का पार्ट टू। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 से स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी पार्ट वन में हमने एक्सरसाइज 2.1 डिटेल में डिस्कस किया है विथ ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 की बात करें, इससे पहले मैं आपको एक बार रिकैप दे देता हूं कि हमने इससे पहले वाले पार्ट में, पार्ट वन में क्या किया है। ठीक है, ओके। सो हमने पार्ट वन में बेसिक टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी। इस पर्टिकुलर टेबल से आपके पॉलिनोमियल्स के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने एक ही क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.1 में, उसे सॉल्व किया था। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो आपके एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन था, ये डिस्कस किया हमने। ओके, तो आपको यहां पर दो रिलेशन दिख रहे हैं, दैट इज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यही रिलेशन का यूज करना है हमको। ओके फाइन, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 से। दो बहुत ही एडवांटेज वाली बात मैं आपको यहां पर पहले सबसे पहले बता देता हूं। सबसे पहला एडवांटेज ये है इस एक्सरसाइज का कि जो हम मेथड यूज करने वाले हैं वो ऑलरेडी आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा आसान आसान लगेगा ये सॉल्यूशन। और दूसरा एडवांटेज ये है कि जो मेथड हम अभी पढ़ने वाले हैं, ये मेथड अगेन आपको चैप्टर नंबर 4 में आने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने यहां उसको अच्छे से सीख लिया तो चैप्टर नंबर 4 में आपका आधा सॉल्यूशन हो गया ऑलरेडी। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं ये मान के नहीं चल रहा हूं कि क्लास 9th में आप ऑलरेडी उसे पढ़े हैं, आपको अभी तक वो चीज याद है। ठीक है, इसलिए मैं पहला क्वेश्चन एकदम डिटेल में समझाऊंगा आपको, सेकंड से हम थोड़े से शॉर्टकट्स लेंगे। ठीक है, ओके, तो बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले इसको कंपेयर करना, ये पॉलिनोमियल है पी एक्स। सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जैसे ही हम इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2। हमेशा ध्यान रखें कोफिशियंट साइन के साथ लेंगे आप। ठीक है, और सी की वैल्यू मिल जाएगी -8। ये हमको ए बी और सी की वैल्यू मिल गई। अब हमें फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक ही बात है। ठीक है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। सबसे पहली चीज जो आप फोकस करेंगे वो ये है कि एक्स के जो पावर्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल यही पॉलिनोमियल आपको ऐसे गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 2x, तो इसको रीअरेंज करेंगे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स के पावर्स जो है वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है, 2 1 0, यहां से आप सॉल्यूशन चालू करेंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का मतलब ये नहीं है कि जो भी क्वेश्चन में गिवन है, जैसे यहां पर माइनस 8 है तो माइनस 8 को स्प्लिट कर दिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले उसको अरेंज करना है, उसके बाद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाना है। फाइन, अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए, तो मिडिल टर्म हमारी यहां पर है माइनस 2x, इसे हमें स्प्लिट करना है दो नंबर्स में। फाइन, दो टर्म्स में। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहला स्टेप है आप a इंटू सी कैलकुलेट करेंगे। तो a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -8, तो आपको मिल जाता है -8। ठीक है, अब -8 को आप दो फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे, मतलब दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके -8 आता हो, जैसे 1 और 8। ठीक है, साइन लग जाएगी बाद में, 1 और 8 को मल्टीप्लाई करके 8 आ जाएगा, वैसे ही 2 इंटू 4 करके 8 आ जाएगा। ठीक है, और कोई नंबर्स पॉसिबल मुझे दिख नहीं रहे। फाइन, ओके, अब हमें ऐसा पेयर सेलेक्ट करना है। आप कौन से पेयर की हम बात करें, 1 8 या 2 4, कौन सा पेयर को सेलेक्ट करें, ये किस पे डिपेंड करेगा कि अगर वो पेयर में जो नंबर्स हैं, जैसे 1 8 है, तो 1 8 को ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके अगर आप बी की वैल्यू ला सकते हैं तो वो पेयर को आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे 1 और 8 को ना तो मैं ऐड करके 2 ला सकता हूं, ना तो सब्सट्रैक्ट करके 2 ला सकता हूं, इसलिए ये पेयर हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, सेकेंड पेयर 2 और 4, तो 2 4 को हम सब्सट्रैक्ट करके 2 ला सकते हैं। ओके, तो ये पेयर हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब क्योंकि प्रोडक्ट में -8 आना चाहिए था, दोनों में से एक के पास नेगेटिव साइन होगा, और ऐड करके हमें वैल्यू चाहिए बी की विच इज -2, तो ऑब्वियसली -4 और +2 आएगा, ताकि जब हम इसको ऐड करें हमारा आंसर आएगा -2। तो हमारे जो फैक्टर्स हो गए वो हो गए -4x और +2x, ये हमारे दो फैक्टर्स हो जाएंगे।
तो हम मिडिल टर्म को इन दो टर्म्स में स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। सो हम यहां पर बोलेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कहते हैं ऐसे। ये मेथड का यूज करके हम बोल सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, मतलब यहां पर एक्स स्क्वायर है, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। अब हमने बस माइनस 2x को स्प्लिट कर लिया है माइनस 4x और प्लस 2x में, फाइन। जब हम जीरोस निकाल रहे हैं तो px की वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है, ठीक है, ओके। अब हम फर्स्ट टू टर्म्स कंसिडर करेंगे। यहां से कॉमन क्या दिख रहा है हमको, x कॉमन निकल सकता है, तो जब x कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास x माइनस 4 बच जाएगा ब्रैकेट में। वैसे ही हम सेकेंड दो बाकी वाले दो टर्म्स भी देखेंगे, उसमें कॉमन निकल रहा है प्लस 2 और हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें इस चीज पे फोकस करना है कि ये दोनों ब्रैकेट के अंदर वाले जो टर्म है वो सेम होने चाहिए, ताकि हम नेक्स्ट स्टेप में उसे कॉमन निकाल सकें। x माइनस 4 मैंने कॉमन निकाल लिया, हमारे पास बच जाता है x और बच जाता है प्लस 2, ठीक है, एंड ये 0 के बराबर हो जाएंगे, फाइन। आई होप आपको यहां तक की चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मैं ये पोर्शन क्लीन कर लेता हूं पहले, ओके। एक बार आप इसको ध्यान से देख ले, अगर आपको कुछ भी चीज समझ नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। नाउ द थिंग हियर इज, अब हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यूज निकालनी है। तो x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डिग्री पे, ठीक है। डिग्री जितनी होगी उतने ही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे, फाइन। तो यहां पर क्योंकि x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, इसलिए अब हम उसे निकाल लेते हैं। तो हम ईच फैक्टर दैट इज x माइनस 4 और x प्लस 2 को जीरो से इक्वेट कर देंगे। सो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 विच गिव्स यू x इज इक्वल टू 4, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 विच गिव्स यू x इज इक्वल टू माइनस 2। तो एक वैल्यू को आप अल्फा मान लेंगे, दूसरी वैल्यू को आप बीटा मान लेंगे। ये आपके दो जीरोज हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा वेरिफिकेशन का पार्ट। वेरिफिकेशन करते टाइम हमारे पास दो रिलेशन है, ठीक है। पहला है सम ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। पिछली स्लाइड्स में, पिछले पार्ट में हमने ये डिस्कस भी किया था, ठीक है, ओके। तो हम एलएचएस कंसिडर करके चलेंगे। एलएचएस है अल्फा प्लस बीटा, दैट इज सम ऑफ जीरो। तो अल्फा की वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू है माइनस 2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। और आरएचएस में हमारे पास लिखा हुआ है माइनस बी बाय ए, ठीक है। सो माइनस बी की वैल्यू है माइनस 2 और ए की वैल्यू है 1, सो माइनस ऑफ माइनस 2 इज 2, ठीक है। सो हमें दिख रहा है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया, ठीक है। वैसे ही सेकेंड टर्म, सेकेंड रिलेशन जो है वो देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए, तो एलएचएस अगेन हम कंसिडर कर लेंगे। एलएचएस इज अल्फा इंटू बीटा, सो यहां पर आ जाएगा 4 इंटू माइनस 2 जो कि है माइनस 8, और दूसरा है सी बाय ए जो आरएचएस में लिखा हुआ है, ठीक है। सी की वैल्यू है माइनस 8 और ए की वैल्यू है 1, और ये भी आ जाएगा माइनस 8, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि हेंस वेरीफाइड। यहां आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया। एक एक स्टेप बाय स्टेप हमने डिटेल में डिस्कस किया है इसको, बट काफी सारे स्टूडेंट्स को ये ऑलरेडी पता होगा कि इसे कैसे करते हैं, ठीक है। उनके लिए सिर्फ वेरिफिकेशन, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड आता है उनके लिए वेरिफिकेशन बस एक नया पार्ट है और कुछ नहीं। वेरिफिकेशन में एक चीज है कि आप एलएचएस आरएचएस को सेपरेटली लेके सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करने मत लग जाना, ठीक है। वो एक गलत तरीका है वेरिफिकेशन करने का, फाइन। यहां स्पेलिंग में थोड़ी सी दिक्कत है, वेरिफिकेशन, फाइन, ओके, मैं इसको ठीक कर लेता हूं, फाइन। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी एग्जैक्टली सेम प्रोसेस से बनेगा, फाइन, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, इन क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल है, फाइन। अगेन ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4, b की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस 4 और c की वैल्यू मिल जाएगी 1, ठीक है। तो हमारा मिडिल टर्म यहां पर है माइनस 4s, इसे हमें स्प्लिट करना है, ठीक है। अब हमारे पास a और c की वैल्यू है 4 एंड 1, तो a इंटू सी हो जाएगा 4 और हमें 4, ठीक है। पिछले स्टेप में हमने देखा था
दैट इज 1 into 4, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 4, 4 को स्प्लिट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो फैक्टर्स हमारे काम के रहेंगे वो है 2 और 2, लेकिन हमें -4 चाहिए, b की वैल्यू है -4, तो हम -2 और -2 लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 4 आ जाएगा और ऐड करके -4 आ जाएगा, ठीक है। सो -4s को हम डिवाइड कर लिए -2s में और -2s में, इसलिए हम लिख सकते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड px इज इक्वल टू 4s स्क्वायर, -4s की जगह मैं लिख रहा हूं -2s -2s + 1, ठीक है। फर्स्ट टू टर्म से हम 2s को कॉमन निकाल लेंगे, पहले दो टर्म से हम 2s को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, हमारे पास बच जाएगा 2s - 1, और यही सेम टर्म हमको सेकेंड ब्रैकेट में भी चाहिए। तो यहां पर 2s है और यहां पर -2s है, तो मैंने -1 को कॉमन निकाला है, ठीक है ना। ओके, अब क्योंकि हम इसका फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोस निकाल रहे हैं, इसलिए px की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, जीरो हो जाने वाली है। तो हम इससे 2s - 1 को कॉमन निकाल लेंगे, और फिर हम देखेंगे दूसरे ब्रैकेट में अगेन हमारे पास 2s - 1 ही बचेगा, 2s - 1 ही बच रहा है, ठीक है। नाउ हम इसको अलग अलग कंसिडर कर लेंगे, 2s - 1 इज इक्वल टू 0, फाइन। तो यहां से हमको s की वैल्यू मिल जाएगी 1/2, और अगेन 2s - 1 इज इक्वल टू 0, यहां से भी s की वैल्यू मिल जाएगी 1/2, ठीक है। अब क्योंकि दोनों सेम जीरोस आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास सिर्फ एक ही जीरो है, ठीक है, दो जीरो हैं, बट वो दोनों इक्वल हैं, वैसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन की, तो अगेन वेरिफिकेशन हमारे पास वही दो रिलेशन है जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखे थे, ठीक है। सो पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरो, वहां से चालू करते हैं, फर्स्ट रिलेशन है वेरिफिकेशन, पहले फर्स्ट आ जाता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो अल्फा की वैल्यू है यहां LHS कंसिडर कर लेते हैं पहले, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है 1/2, इसमें एक को हम अल्फा ले लेते हैं, दूसरे को हम बीटा ले लेते हैं, ठीक है। सो 1/2 + 1/2 ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद RHS कंसिडर कर लेते हैं, RHS में -b/a गिवन है हमको, सो -b का वैल्यू है -4 और a का वैल्यू है 4, ठीक है। तो जब इसको आप 4/4 लिख सकते हैं, जो कि फाइनल आ जाएगा 1, ठीक है। सेकेंड हमारे पास वेरिफिकेशन है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। अगेन हम LHS कंसिडर करेंगे, जो कि है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/2 × 1/2, जो कि हो जाएगा 1/4। और RHS की अगर बात करें तो RHS है c/a, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू यहां पर है 1 और a की वैल्यू है 4, अगेन, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं hence verified, ठीक है। ये था सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है 6x² - 3 - 7x, ठीक है। अब यहां पे आपको फर्स्ट स्टेप का यूज समझ में आएगा, थर्ड है 6x² - 3 - 7x, तो सबसे पहले हमें रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि x के जो पावर्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लिखे हुए हैं, ओके। ऑन रीअरेंजिंग, जैसे ही हमें रीअरेंज कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा px इज इक्वल टू 6x² - 7x - 3, ठीक है। अगेन सेम प्रोसेस लगाते हैं, ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि है px इज इक्वल टू ax² + bx + c, ठीक है। हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 6, b की वैल्यू मिल जाएगी -7 और c की वैल्यू मिल जाएगी -3, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया, फाइन। अब हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर लेते हैं, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। मैं एकदम वैसे ही लिखने की कोशिश कर रहा हूं जैसा आपको बोर्ड्स में लिखना है, ठीक है। और आपको प्रॉपर नोट्स भी इसके बाद मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स दिए गए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप केवल समझने में फोकस कीजिए, नोट्स आपको ऑलरेडी ये सब चीज के मिल जाएंगे, फाइन, ओके। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म हमारा है -7x, ठीक है, -7x हमारा मिडिल टर्म है। और a इंटू सी अगर मैं करना चाहूं, सो ये हमारे पास है 6 इंटू -3, जो कि है -18।
तो माइनस 18 के दो फैक्टर बनेंगे 9 into 2, लेकिन मुझे क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो दोनों में से एक के पास माइनस होगा, और हमें ऐड करने के बाद भी नेगेटिव चाहिए, तो बड़े नंबर के साथ नेगेटिव और छोटे नंबर के साथ पॉजिटिव, ठीक है। तो हम माइनस 7x को स्प्लिट कर रहे हैं माइनस 9x में और प्लस 2x में, तो ये पॉलिनोमियल कुछ ऐसे दिखेगा, px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। अब क्योंकि जीरोस निकाल रहे हैं इसलिए हम इसे जीरो से इक्वेट कर सकते हैं। फर्स्ट टू टर्म्स में हमें दिख रहा है कि 3x कॉमन निकाल सकते हैं, हमारे पास यहां बच जाएगा 2x माइनस 3। अगेन दूसरे ब्रैकेट में भी हमें 2x माइनस 3 ही चाहिए, ठीक है, तो कॉमन क्या निकालेंगे हम, प्लस 1 को कॉमन निकालेंगे और ये जीरो के बराबर हो जाएगा। उसके बाद 2x माइनस 3 जो है वो कॉमन निकल जाएगा और ब्रैकेट में बच जाएगा 3x प्लस 1 और ये जीरो के बराबर है, ठीक है। अब दोनों को आप जीरो से इक्वेट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा वैल्यू किसका, आपको वैल्यू इजिली मिल जाएगा एक्स का, ठीक है, जो आपके दो जीरोस हो जाएंगे अल्फा एंड बीटा, और ताकि हम उसे वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं फिर, ठीक है। ओके, तो कंसिडर करते हैं हम लोग, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी एक्स की 3/2, और सेकेंड वैल्यू है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस 1/3, ठीक है। वेरिफिकेशन की बात करते हैं, वेरिफिकेशन, ओके, सो फर्स्ट वेरिफिकेशन है आपका सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अगेन हम LHS कंसिडर कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ओके, सो अल्फा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू है माइनस 1/3, ठीक है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, LCM आ जाएगा 6 और न्यूमरेटर में आपको मिल जाएगा 9 माइनस 2, सो बेसिकली वैल्यू आ रही है 7/6। RHS की अगर मैं बात करूं तो RHS है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए में माइनस बी की वैल्यू है माइनस 7 और ए की वैल्यू है 6, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7/6 ही अल्टीमेट वैल्यू आपको मिलेगी। सेकेंड बात करें, सेकेंड पॉइंट की, सेकेंड वेरिफिकेशन जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए, ठीक है, ओके, सो LHS अगेन कंसिडर कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू है माइनस 1/3, ठीक है, सी 3 से 3 कैंसल, माइनस 1/2 आपको वैल्यू मिल जाएगी। और RHS में लिखा हुआ है सी बाय ए, RHS में लिखा हुआ है सी बाय ए, सो सी की वैल्यू है यहां पर माइनस 3 और ए की वैल्यू है 6, कैंसिल करेंगे तो अगेन आपको वैल्यू मिल जाएगी माइनस 1/2 और हम लिख सकते हैं कि हेंस वेरीफाइड, ठीक है। ये है थर्ड पार्ट, स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट से। फोर्थ पार्ट हमें गिवन है, फोर्थ पार्ट में आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा अलग है बाकी तीन के कंपेयर में, सो फोर्थ पार्ट इज 4u² + 8u, ठीक है। यहां पर हमें दिख रहा है कि वैल्यू ऑफ c जीरो है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म यहां पर जीरो है, कांस्टेंट टर्म यहां पर जीरो है, ठीक है। अब जब भी कांस्टेंट टर्म जीरो होगा या b की वैल्यू जीरो होगी तो हमारा सॉल्यूशन बदल जाएगा, आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे, ऑन कंपेयरिंग विथ px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जैसे इसे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4, b की वैल्यू मिल जाएगी 8 और c की वैल्यू मिल जाएगी 0, क्योंकि वो टर्म ही यहां पर नहीं है, ठीक है। नाउ यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, आप u को लेके कंफ्यूज नहीं हुए, ठीक है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है वहां पर, हमने x स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया इसलिए मैं उसे कंसिडर करके चल रहा हूं। यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड या उसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले पी यू इज इक्वल टू 4u² + 8u, ठीक है, एक्चुअली में फैक्टराइजेशन मेथड यूज होगा ही नहीं यहां पर, फाइन, तो हम इसे डायरेक्टली लास्ट स्टेप ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड लिख सकते हैं। हम यहां से 4u कॉमन निकाल सकते हैं, 4u जब मैं कॉमन निकाल रहा हूं यहां से तो अंदर मेरे पास बच जाएगा u प्लस 2, ठीक है, और क्योंकि हम जीरोस निकाल रहे हैं तो इसको जीरो के कंपेयर में इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगेन मुझे यहां दो फैक्टर्स तो डायरेक्टली मिल गए, जो आपको लास्ट स्टेप में मिलते थे फैक्टराइजेशन मेथड के, वो डायरेक्टली आ गया है, ठीक है। अब यहां से कंपेयर कर लेंगे हम लोग, 4u इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 4u इज इक्वल टू 0,
तो फाइनली यहां से u इज इक्वल टू जीरो एंड u प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, सो आपको यहां से u की वैल्यू मिल जाएगी माइनस टू। तो आप इसे अल्फा कंसिडर कर सकते हैं और इसे बीटा कंसिडर कर सकते हैं। ओके, यहां पर कोई भी फैक्टर नहीं किया गया है, मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं किया गया है क्योंकि ऑलरेडी यहां पर सी जीरो है और वो इजिली बिना मेथड को यूज करके हो जा रहा है। ओके, वेरिफिकेशन की बात करते हैं। वेरिफिकेशन ना, वेरिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ओके, एलएचएस कंसिडर करते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है यहां पर जीरो प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस टू, तो आपको माइनस टू मिल जाएगा। आरएचएस जब हम कंसिडर करेंगे तो ये है माइनस बी बाय ए माइनस बी, बी की वैल्यू एट है और ए की वैल्यू है फोर। ओके, तो कैंसिल करके यहां पर टू आ जाएगा, सो माइनस टू आपको मिल जाएगा आरएचएस। ठीक है, सेकेंड हमारा रिलेशनशिप है दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए। अल्फा अगर हम एलएचएस कंसिडर करें सो अल्फा इंटू बीटा सो दैट इज जीरो इंटू माइनस टू, तो ये आ जाएगा जीरो। और आरएचएस को अगर हम कंसिडर करें जो कि है सी बाय ए, तो सी की वैल्यू यहां पर है जीरो और ए की वैल्यू है फोर, जो अगेन हमें जीरो ही रिजल्ट देगा। तो हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा इसका। इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कोई यूज नहीं है। ठीक है, ओके, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं जहां पर हम बिना मेथड यूज करके ही ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट इस एक्सरसाइज के फिफ्थ पार्ट में है, हमें गिवन है पॉलिनोमियल इन टी दैट इज टी स्क्वायर माइनस 15। अगर आप यहां पर देखेंगे तो कोएफिशियंट ऑफ एक्स जो है, मतलब यहां पर टी की बात कर लेते हैं, वो जीरो है। मतलब बेसिकली बी इज इक्वल टू जीरो आपको गिवन है। मैंने आपको बताया अगर बी और सी जीरो है तो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जैसे ही हम इसे कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 0 एंड सी की वैल्यू है -15। हमें ये तीनों चीजें कंपेयर करने से मिल जाएगी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें मिल जाएगा यहां पर दैट इज पी ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। लेकिन क्योंकि हम जीरोज निकाल रहे हैं तो टी स्क्वायर माइनस 15 को हम जीरो मान सकते हैं। फाइन, सो टी स्क्वायर आ जाएगा 15। जब हम अंडर रूट लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ द साइड्स तो हमें टी की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, प्लस माइनस इसलिए आया है क्योंकि प्लस रूट 15 का स्क्वायर भी टी देगा, मतलब उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 15 आएगा और माइनस रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो भी 15 ही आएगा। ठीक है, इसलिए टी की दो वैल्यूज आ जाती है यहां पर, जिसमें हम प्लस रूट 15 को अल्फा मान लेते हैं और माइनस रूट 15 को बीटा मान के चलते हैं। ठीक है, ये कंसिडरेशन करके हम वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन, जब हम वेरिफिकेशन करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए। ठीक है, तो एलएचएस कंसिडर करके चलते हैं, अल्फा प्लस बीटा दैट इज प्लस रूट 15 माइनस रूट 15। ठीक है, जो कि हमें देगा वैल्यू जीरो। और आरएचएस कंसिडर करें तो इज माइनस बी बाय ए दैट विल बी माइनस बी की वैल्यू तो जीरो है, ए की वैल्यू हमें यहां पर 1 गिवन है तो ये जीरो ही आएगा। ठीक है, सेकेंड, न्यूमरेटर में अगर जीरो होगा नीचे कोई भी नंबर हो आपको रिजल्ट जीरो ही मिलना है। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड है अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए। ठीक है, सो अल्फा एलएचएस की बात करें तो एलएचएस है अल्फा इंटू बीटा जो कि है रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस रूट 15। ठीक है, सो वैल्यू आपको दे देगा माइनस 15। ठीक है, आरएचएस की बात करें सी बाय ए, सी की वैल्यू है यहां पर माइनस 15 और ए की वैल्यू है 1, तो आपको यहां से भी रिजल्ट माइनस 15 ही मिलेगा। ठीक है, हम बोल सकते हैं हेंस वेरीफाइड। ठीक है, लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, 3x स्क्वायर
लास्ट पार्ट आपको गिवन है 3x² - x - 4। अगेन ये फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए हैं उसी के जैसा है, तो हम लिख लेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, दैट इज px इज इक्वल टू ax² + bx + c। फाइन, इसको कंपेयर जब हम करेंगे इससे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 3, b की वैल्यू मिल जाएगी -1 एंड c की वैल्यू मिल जाएगी -4। ठीक है, ओके तो अब हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड हमें मिल जाएगा px इज इक्वल टू 3x². अब मिडिल टर्म माइनस एक्स है, हमें माइनस एक्स को फैक्टराइज करना है। ठीक है, हमें यहाँ फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ हमें डायरेक्ट फैक्टर मिल जाते हैं, a की वैल्यू 3x और c की वैल्यू -4x। ठीक है, यही आपके फैक्टर्स भी हैं यहाँ पर। फाइन, तो हम यहाँ से लिख लेंगे +3x - 4x - 4 जो कि c की वैल्यू है। ठीक है, हमें यहाँ से इजिली फैक्टर्स मिल गए हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। फाइन, ओके, अब क्योंकि हम जीरोस निकाल रहे हैं इसलिए हम इसको 3x² + 3x - 4x - 4 को जीरो से इक्वेट कर सकते हैं। फर्स्ट टू टर्म से अगर हम कॉमन निकालना चाहें तो कॉमन आ जाएगा 3x, बचेगा x+1। ठीक है, नेक्स्ट कॉमन आएगा -4, अगेन हमारे पास इनसाइड बचेगा x+1 जो कि जीरो के बराबर है। ध्यान रहे ब्रैकेट में सेम वैल्यूज बचनी चाहिए ताकि आप नेक्स्ट स्टेप में उसे कॉमन निकाल सकें। नेक्स्ट आ जाएगा 3x - 4 जो कि जीरो के बराबर होगा। ठीक है, हम यहाँ दोनों फैक्टर्स को कंपेयर कर लेते हैं जीरो से। x+1 = 0 तो x = -1, 3x - 4 = 0 तो x = 4/3। एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन ओके, वेरिफिकेशन की अगर बात करें तो पहला वेरिफिकेशन है हमारे पास, दैट इज फॉर α + β = -b/a। ठीक है, LHS की बात करें, α + β, अल्फा की वैल्यू है -1, बीटा की वैल्यू है 4/3। ठीक है, अगर आप LCM लेंगे यहाँ पर तो 3 आ जाएगा, -3 + 4 मतलब 1/3 वैल्यू आपको मिल जाएगी। RHS की अगर मैं बात करूँ, दैट इज -b/a। ठीक है, -b का वैल्यू है -1, a का वैल्यू है 3, -, +, और 1/3 आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सेकेंड वेरिफिकेशन जो है हमारे पास वो है α × β = c/a। ठीक है, सो हम LHS कंसिडर करेंगे जो कि है α × β। अल्फा की वैल्यू है -1, बीटा की वैल्यू है 4/3। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा -4/3। और अगर हम RHS की बात करें, RHS है c/a, c की वैल्यू है -4, a की वैल्यू है 3। तो यहां पर भी हमारा रिलेशन जो है वो वेरीफाई हो चुका है। सो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, यहां हमने क्वेश्चन नंबर 1 को खत्म किया है। नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चन नंबर 2 चालू करेंगे जो कि जस्ट इसका अपोजिट है। आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होगा। फाइन, ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ऑलरेडी आप ये मेथड कर चुके हैं, सिर्फ वेरिफिकेशन ही न्यू था इसमें। फाइन, सो एक बार देख लेते हैं कि हमने ये जो 6 पार्ट आज कंप्लीट किए हैं। ठीक है, यहां से हमने चालू किया था ये वीडियो, फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, जिसमें बी और सी की वैल्यू जीरो हो जाती है। वो क्वेश्चन थोड़े से अलग अटेम्प्ट होते हैं। ठीक है, जो कि आपके पार्ट्स थे part 4 and part 5। ठीक है, फाइन, तो ये था part 2 ऑफ chapter 2 पॉलिनोमियल्स। part 3 में आई होप हम इस चैप्टर को खत्म कर पाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का सेकेंड क्वेश्चन लेंगे और आपके न्यू कैरिकुलम के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 2.2 तक ही आपका ये सिलेबस है फॉर बोर्ड्स। ठीक है, ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको अगर नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, part 1 का वीडियो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू देन, बाय बाय।